नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की। न्याय की तलाश में पुलिस और अदालत के चक्कर लगा रहा है पीड़ित परिवार, फिर भी नहीं मिल रहा है न्याय। प्रेस वार्ता कर न्याय की गुहार लगाने वाले राम बहादुर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे बेटे विशाल वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में 3 फरवरी 2018 को 3:30 बजे अपराह्न मौत हो गई थी और हमारा पूरा शक मेरी ही पुत्रवधु पूजा वर्मा पर है, क्योंकि उसी ने 3 फरवरी 2018 को फोन करके अपने घर बुलाया था। इसके बाद हमें उसी दिन शाम को 5 बजे के लगभग फोन आया कि विशाल का एक्सीडेंट हो गया है, आप GTB अस्पताल आ जाओ। इस दौरान विशाल की मौत हो गई। भजनपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दुर्घटना मोटरसाइकिल टकराने से दोपहर 3:30 बजे भगत सिंह पार्क B1 स्कूल के सामने हुई और पुलिस ने हमें CCTV की फुटेज तक नहीं दिखाई। हमने इस संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी कई बार संपर्क करके न्याय की भीख मांगी, परंतु वहां से भी हमें निराशा ही हाथ लगी। सुनिए पीड़ित पिता का दर्द। क्या नाम है? राम बहादुर वर्मा। क्या समस्या थी? सर, समस्या है, लड़का का अभी 2017 में 11 दिसंबर को शादी किए थे और 1 महीना हमारे यहाँ बहू रही और विदा होकर चली गई इस मायके। इसके बाद 3 फरवरी को लड़का ससुराल गया था, लड़की ने फ़ोन करके बुलाया था, तो शाम को खबर आता है कि एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल आ जाओ। वहाँ जाने के बाद तो आप सर यानी कि कैसे पता चला, किसी ने आपको सूचना दिया या फोन किया? किसने फोन किया? किसने फोन किया आपको? पूजा ने फोन किया कि एक्सीडेंट हो गया, आ जाओ। तो वहाँ पे जाने बाद बड़ा लड़का हमारे जाने के बाद वहाँ पे उसका कोई इलाज नहीं शुरू हुआ था, लड़की जाने के बाद इलाज शुरू हुआ और 9:30 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, एक बात है, ये कहाँ के ये जो आप बता रहे हैं कहाँ का मामला है, कौन सा थाना पड़ता है? भजनपुरा थाना इलाका है, ये जमुना बिहार B1 स्कूल के सामने की घटना बताई गई है, जिसमें FIR दर्ज हुआ है 00057/18। तो पुलिस वहां पे जब आप पहुंचे हो एक्सीडेंट की जगह, पुलिस वहां पे आई थी या आपने बुलाया? हम सर, लड़का हमारा अकेला गया था, हम लोग किस नहीं पता, हम लोग नहीं गए थे, लड़का अकेला गया था और पुलिस वहां पे क्या करी क्या नहीं करी हमें कुछ नहीं मालूम। तो आप जो है जब जो ये घटना घट गई तो आप हॉस्पिटल भी गए होंगे? हाँ, हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पे आपने क्या देखा? वहाँ पर पे ये बड़ा बेटा और हमारी वाइफ भी गई थी, तो वहाँ पे लड़का बेहोशी की हालत में था, होश में नहीं था, सिर्फ दर्द से चिल्ला रहा था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और जो भी कुछ देखा इन्होंने देखा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? जो अभी प्रकरण बताया गया है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की, और कार्रवाई की तो क्या की, आप बताएं। अरे लड़का हमके 2 तारीख के बता के सारी कहानी गया, 2 तारीख के बताया मम्मी ऐसे ऐसे बात, ये देखो फोटो ले हूँ, पूजा इससे पसंद करती है, मेरे से नहीं करती है, लड़का से करती है, और बोल मेरे पसंद नहीं करती है, मेरे को बड़ी टेंशन हो गई है। टेंशन हो के आप मैं कही जा बेटा, टेंशन छोड़ और कमो, वो उसको बुला लेंगे, उसके मम्मी पापा को बुला लेंगे, अपने घर में राय बात बैठा लेंगे, रहेगी तो ठीक है, ना रहेगी तो उसके माँ बाप के अपना ले जाएंगे लोग, अपना ले जाए। हाँ मम्मी ठीक है। अब यहाँ से लड़का 2 तारीख के चला गया, 3 के खबर आई, 5:30 बजे खबर आई जो एक्सीडेंट हो गया है। जब यहाँ से सब भग के गए, हम जब भग के गए तो विधवा बन के बैठी थी, न मांग में सिंदूर न बिंदी बिछुआ चूड़ी कुछ भी ना, विधवा बन के बैठी, हमारा लड़का एकदम बेहोशी की हालत में है। आपने अपने बेटे की शादी कहाँ किया था? गोकुलपुरी किया था। गोकुलपुरी किस जगह? गंगा बिहार में, पाइपलाइन साहब। आपने अभी कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? बिल्कुल कोई हमारी सुनी, हमने बहुत धात फिर दौड़े अपने कई बार सबूत दिए और फिर भी नहीं सुनने वाली। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? ऐसा इसलिए लगता है सर कि ये हमारी, मैंने भी इंक्वायरी करी है, मर्डर है
और हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो लड़की उसकी सहेली साजिश करके मारे हैं, और उसमें बकायदा पिंकी जो है वो भड़का रही है विशाल को और विशाल भड़क रहा है। पिंकी कौन है ये? इसकी पूजा की सहेली है, और दोनों मिली हुई हैं, और पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही कि मोटी रकम रिश्वत लेकर के इस चीज़ को केस को दबाया जा रहा है। हमें कैमरा तक नहीं दिखाया गया, हमें इस वजह से हमें लग रहा है कि ये मोटी रकम लिए। मैं बड़ा बेटा को मैं हम तो क्रियाक्रम के लिए गांव चले गए राख ले करके, और लड़की वाले तब भी नहीं बता रहे कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो हमने लड़के को फ़ोन करके बोला कि तू पिंकी संपर्क कर, उससे संपर्क किया गया 15 दिन बाद, तो लड़की बताती कि यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट ऐसे ऐसे थे और वहाँ, तो वहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया कैमरा दिखाने की लड़का, तो कैमरा किसी ने नहीं दिखाया। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई सीसीटीवी लगा हुआ था या नहीं? बहुत सारे लगे हुए हैं, किसी में नहीं आया, किसी में दिखाया ही नहीं, तो आएगा कहाँ। फिर हमने आयुक्त पास, हमारा लड़का आयुक्त पास गया, सर चलिए, तो उस टाइम आयुक्त नहीं गया, डांट के भगा दिया। फिर इसके बाद 4 दिन बाद फिर फोन आता आयु का, आजा भाई कैमरा। आयु का नाम क्या है उसे? जसवीर सिंह, जो रिटायर हो गया है। तो उसने लड़के को नीचे खड़ा करके ऊपर जाकर देखता, कहता कि लौट करके कहता कि भाई कैमरा ख़राब है, यहाँ कुछ नहीं कैमरा खराब। तो लड़का बोला सर अगला कैमरा चेक करा लीजिए, कह रहा कि तेरे नौकर लगे हुए ऐसे ऐसे डांट के भगा दिया, और दूसरा कैमरा चेक ही नहीं किया। इस संबंध में आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले किसी से? हमने DCP को भी शिकायत करी इसकी, पुलिस वाले की, उसकी रिकॉर्डिंग उसने रिकॉर्डिंग लड़की ने कर दिया, जो बदतमीजी कर रहा था तो रिकॉर्डिंग में कर लिया। उसने कहा कि ये मान ले एक्सीडेंट है, हमने 50 लोगों से पूछ लिया एक्सीडेंट है, और तुझे 1-1.5 लाख रुपये दिला देंगे, ये एक्सीडेंट है मान ले। तो पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया? जो पुलिस के उच्च अधिकारियों से आप मिले, उन अधिकारियों ने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने बस यही जवाब, कोई मतलब एक्सीडेंट है भाई, एक्सीडेंट है। और हमें कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमारे पास इसके लड़की, मतलब पुलिस वाले आपसे सबूत मांग रहे हैं? हमसे सबूत मांग रहे हैं, उल्टा हमसे मांग रहे हैं तुम्हारे पास कोई सबूत है? और एक पुलिस वाले यहाँ तक जिसका वहाँ जिम है, उस जगह पे जिम है, एक किसी जेल का अधिकारी है उसमें जिम है, वो यहाँ तक हमें बदतमीजी से बात करता है कि यार इसके 4 बच्चे कौन से मर गए, इतना ज़्यादा वो जगह जगह एप्लीकेशन डाल रखा है, जमा करा। तो हमसे बोलता तू कोर्ट में जा, यहाँ कोई इंसाफ नहीं तेरा मिलेगा, यहाँ तेरे से कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट में जा। हमें ये पुलिस वालों का कहना है, हाँ पुलिस वालों का कहना है कि यहाँ को तो कोर्ट में जा। जिम वाले कहना है, हाँ जिम वाला जो आईओ था, जो PCGL का अधिकारी था, उसका कहना था। और भी जो जितने भी 3 PCGL में अधिकारी, तीनों ने यही जवाब दिया कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, ऑडियो से कोई सबूत नहीं, मर्डर नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत लेके आओ। और जो पहले जो जसवीर, वो भी यही, हमने उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे दी, जितनी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप खुद सुनेंगे आप खुद कहेंगे मर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे तो, मगर हमारी एक भी नहीं सुनी गई। फिर हाई कोर्ट गए, उसके बाद आर्डर हुआ उस 1 साल तक जसवीर जितेंद्र कुमार, सर जितेंद्र कुमार के हाथ में केस था, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, एंड में अपना ट्रांसफ़र करा लिया। ट्रांसफ़र कराते समय ये बोल के गए, उससे पहले बोला कि हाँ तुम्हारे लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है ऑडियो रिकॉर्डिंग से, लेकिन इसका अभी जवाब बाद में दूंगा, अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके, सीनियर अधिकारियों से बात करके जवाब दूंगा। लेकिन एंड में क्या जवाब आता है कि ऑडियो से कोई मर्डर साबित नहीं होता, एंड में जवाब हमें ये दिया। अब आप क्या चाहते हैं? सर अभी तो कोर्ट में केस पेंडिंग है, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन इन पुलिस वालों ने बिल्कुल भरोसा नहीं, हमें न्याय नहीं मिल रहा, हम इसलिए आपकी आपसे मदद मांगते हैं, हमें न्याय दिलाने में मदद।